मूवी की शुरुआत बीच पर पार्टी कर रहे लोगों से होती है जो एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के बीच में कैली से शराब पीने को बोली जाती है जिसे वो पीने से मना करती है, पर जब वो नीचे अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की को किस करते हुए देखती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है और वो शराब पी लेती है। तभी गिलबर्ट बीच के किनारे से एक अंडे को लेकर आता है। पार्टी के बाद जब सुबह सब उठते हैं तो कैली देखती है रेत पर बैठा पक्षी रेत के अंदर जा रहा है, जिसे देख कैली बहुत डर जाती है। वो देखती है उस पक्षी को रेत में किसी अजीब चीज ने खींच लिया है। कैली मार्शा को देखती है जो एक टेबल से रेत पर उतर रही होती है। ये देख कैली उसे नीचे उतरने से मना करती है, पर मार्शा उसकी बात नहीं सुनती है और नीचे उतर जाती है। नीचे उतरते ही वो उस रेत में चिपक जाती है क्योंकि वो रेत अजीब सी चीज एक मॉन्स्टर होती है जो उसे रेत के अंदर खींच रही होती है। जिसे बचाने के लिए वेंस अपनी कार से नीचे उतर कर उसे बचाने जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसे नीचे खींचने लगता है जिसकी वजह से उसकी और मार्शा की मौत हो जाती है। ये सारा नजारा देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उन सभी को लगता है कि ये सारी घटना सरकार द्वारा चलाई गई किसी केमिकल की वजह से है। वो लोग पुलिस को फोन करने चलते हैं, पर पार्टी में सभी ने अपने फोन को एक थैले में रख दिया था जिसकी वजह से उनको फोन नहीं मिल पाता है और वो मदद नहीं मांग पाते हैं। इस वजह से सभी की हिम्मत टूटने लगती है। तो मित उन लोगों को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो जोना अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती है। कैली रेत के पास जाकर रेत के ऊपर अपने हाथ को घुमाती है तो मॉन्स्टर उसके हाथ को नीचे खींचने की कोशिश करता है। रेत से उसका हाथ दूर होने पर उसे नहीं खींच पाता है, जहाँ कैली को पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तभी गिलबर्ट चिल्लाता है जो ड्रम के अंदर फंसा होता है। वो खुद को बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर रेत में मॉन्स्टर होने की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। जब गिलबर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो मिच उसे हिलने से मना करता है और बताता है रेत में जानलेवा मॉन्स्टर है, जिसे सुन वो शांत हो जाता है और बताता है मार्शा और वेंस दोनों की मौत हो चुकी है इस रेत में। तो गिलबर्ट इस बात को नहीं मानता है। इधर केबिन में कैली कुछ ढूंढ रही होती है जहां उसे मैच बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। जिसके बाद मिच और कैली आपस में बात कर रहे होते हैं कि रात में ऐसा क्या हुआ जो रेत में लोग मर रहे हैं। पर तभी मिच को सन क्रीम मिलती है जिसे कैली छीन कर अपने बॉयफ्रेंड जोना को देती है लगाने के लिए। इधर गिलबर्ट मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, पर अचानक से एक डरावनी आवाज आती है जिसे सुन सब बहुत डर जाते हैं। पर गिलबर्ट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है कि ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से उसे जलन हो रही होती है। तो जोना उसे सन क्रीम लगाने के लिए फेंक कर देता है जिसे वो लगा लेता है। तभी कैली की नजर उस अंडे पर पड़ती है जो फूटा हुआ था, जिसे गिलबर्ट और उसके दोस्त लाते हैं। तो गिलबर्ट बताता है वेंस इसे बीच के किनारे से उठाकर लाया था। तो कैली बताती है कि रात में फूटा हुआ नहीं था ये अंडा, ये एक मॉन्स्टर का अंडा था जो अब बीच के अंदर है, जो अभी जिंदा है। ये सुनकर गिलबर्ट घबरा जाता है और खुद को बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर कोई चाह कर भी उसे नहीं निकाल सकता क्योंकि नीचे मॉन्स्टर है। तो कैली को एक आइडिया आता है। वो सबको बोलती है मैं देखती हूँ इसका आकार कैसा है, और वो अंदर से कुछ खाने का सामान लाती है और रेत में फेंकती है। तो मॉन्स्टर उसे रेत के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो दूसरी ओर फेंकती है जिसे वो फिर खा जाता है। तो मिंच भी कैली से लेकर दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर पक्षी उसे पकड़ लेता है और रेत पर आते ही मॉन्स्टर उसे रेत के अंदर खींचने लगता है। तो गिलबर्ट ये नजारा देख कर डर जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। कैली उस खाने के सामान को मिंच से दूसरी ओर फेंकने को कहती है। मिंच दूसरी तरफ फेंकता है, जहां इनको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिस जगह पर फेंका था वहां पर नहीं है। ये जानकर सबको बहुत खुशी होती है ये ज्यादा दूर तक नहीं फैला है। तो जोना को आइडिया आता है, वो अपनी वाटर स्केटिंग को रेत पर फेंक कर उस पर खड़ा हो जाता है। इसके सहारे वो आगे जाता है। जब वो बीच पर रखी टेबल पर पैर रखता है भी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसके वाटर स्केटिंग को खींचने लगता है। तो जोना टेबल और वाटर स्केटिंग के सहारे उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जोना की बॉडी रेत के संपर्क में आ जाती है। रेत के नजदीक आने की वजह से वो मॉन्स्टर उसके पेट को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में घाव हो जाता है। वो बेहोश होने लगता है, पर वो हिम्मत करके उठकर वहाँ पर रखे बैग को खोलता है तो उसमें से एक फल रेत पर गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस जगह पर उन लोगों ने आग जलाई थी उस जगह पर वो नहीं होता है क्योंकि वो जगह रेती नहीं होती। तो वो उस जगह पर कूद कर चला जाता है जहाँ पर वो फल को खाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि जिस फल को उसने खाया था वो उसके पेट से निकल रहा होता है, जिसे देख वो घबरा जाता है। तो कैली उसे टेबल पर वापस आकर लेटने को बोलती है, वो लेट जाता है। अभी कैली की नजर कार पर पड़ती है
जहां वो मॉन्स्टर उस कार के टायर को भी खाने लगता है, जिससे बचने के लिए रॉनी कार के बम्पर में जाने की कोशिश करती है। पर रॉनी का पैर फिसलने की वजह से उसका हाथ बम्पर में फंस जाता है। पर तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिसे वो सब मदद मांगते हैं और पुलिस से कहते हैं कि रेत के अंदर एक मॉन्स्टर है, उससे हमारी मदद करो। पर वो उनकी बात नहीं सुनता है और कार से बाहर निकलने लगता है, जिसे देख सभी लोग नीचे उतरने को मना करते हैं। तो पुलिस वाले को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वो कार से उतर जाता है। जब वो कार से उतरता है तो उसे कुछ नहीं होता है। ये देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो पुलिस वाला कैली और मिंच के पास जाता है। वो उनको रेत पर आने को कहता है। तो कैली कहती है, हम लोग रेत पर नहीं आ सकते हैं, अगर रेत पर हम आए तो मॉन्स्टर हमें मार देगा। तो पुलिस वाला कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं हुआ, और कैली को अपने पास बुलाता है। तभी पुलिस वाले की चाबी रेत पर गिर जाती है, जिससे वो उठाने चलता है, पर कैली मना करती है रेत को छूने के लिए। पर तब तक वो चाबी को छू लेता है। उसे छूते ही रेत के अंदर का मॉन्स्टर उसे रेत के अंदर खींचने लगता है। तो कैली उसे पेपर स्प्रे देती है उस पर डालने को, तो वो स्प्रे करता है, पर तब तक मॉन्स्टर उसका आधा हाथ खा जाता है, जिसकी वजह से वो रेत पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी मिंच को उस पुलिस वाले के जूते याद आते हैं, जिससे वो बच रहा था, और वो अपनी स्लीपर पहन लेता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और रॉनी से टॉवल को अपने पास फेंकने को कहता है, क्योंकि वो टॉवल को अपने पैरों पर लपेटने के लिए कहता है, ताकि मॉन्स्टर से बच सके। पर रॉनी जब टॉवल फेंकती है, मिंच उसे कैच करने चलता है, पर तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से वो रेत पर गिर जाता है। मॉन्स्टर उसे खा जाता है, जिसे देख सभी लोग रोने लगते हैं। तभी कैली शांडा को वहाँ पड़े लकड़ी के टुकड़े को उठाने को बोलती है, जिसे शांडा उठाकर अपने पास रख लेती है, और कैली अपने कैबिन से कूदकर शांडा की कार पर आ जाती है और रॉनी के हाथ को निकालती है, जो बम्पर में फंसा था। उसके बाद वो और शांडा लकड़ी के टुकड़े की मदद से जोनाह के पास जाती हैं, जिसके बाद रॉनी भी लकड़ी के टुकड़े की मदद से उनके पास जाती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। फिर गिलबर्ट जिस ड्रम के अंदर फंसा होता है, उस ड्रम के अंदर वो मॉन्स्टर नीचे से अंदर जाने की कोशिश करता है, तो शांडा टॉवल को अपने पैरों में लपेटकर पुलिस वाले की कार पर चली जाती है, और इधर वो मॉन्स्टर गिलबर्ट को भी रेत के अंदर खींचकर खा जाता है। और जब शांडा की कार पर हमला करता है, तो शांडा कार के बोनट पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब रात होती है तो उसे होश आता है। वो कार के ऊपर चढ़कर ऊपर रखे एयर बैग को नीचे रेत पर फेंक कर उसमें एयर भर देती है, जिसकी मदद से शांडा और जिनोहा दोनों कार के अंदर आ जाते हैं। पर जब कैली अंदर जाने की कोशिश करती है, तो वो मॉन्स्टर बाहर आकर उस पर हमला कर देता है, पर कैली उससे बचकर कार के ऊपर जाकर ऊपर रखे पेट्रोल को उस मॉन्स्टर पर फेंक देती है और मैच बॉक्स की मदद से उसे जला देती है, और वो कार के अंदर आ जाती है। तो मॉन्स्टर उसकी कार पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो शांत हो जाता है, क्योंकि आग लगने की वजह से उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और सब उसी कार में सो जाते हैं। जब सुबह होती है, तब बीच का गार्ड उनके पास आता है, जिससे वो लोग मदद मांगते हैं। कैली जब उसे रेत पर खड़ा देखती है, तो वो भी कार से बाहर निकलती है। तो उन लोगों को पता चलता है कि मॉन्स्टर अब मर चुका है, पर जोना की मौत हो चुकी होती है।